हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सुपर हीरो की रेस। और ये देखो दोस्तों, हमारा प्लेयर आ चुका है। अरे ये क्या, हमारा प्लेयर तो नीले रंग का दे दिया है। मुझे लगा हमारा प्लेयर तो गोरा चिट्टा होगा। और ये देखो, यहाँ तो कितने सारे कार्ड है, हम एक कार्ड सिलेक्ट करते हैं। अरे ये देखो, कार्ड सिलेक्ट करने के बाद वैसा ही प्लेयर हमारे पास आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा मस्त है यार। तो चलो दोस्तों, हम यहाँ पे प्लेयर सारे के सारे इकट्ठे करते हैं, फिर देखते हैं लास्ट में क्या होता है। होला क्या है बोचंग, हम इन्हें अपना गुलाम बना लेंगे और अपना सारा का सारा काम इन्हीं से ही करवाएंगे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अरे मोटे गेंडे जी, हाँ तुम क्या यहाँ अपने चाचा की शादी में आए हो जो इनसे अपना काम कराओगे? बल्कि हमने तो यहाँ इनकी फाइट करानी है, जैसे कि अभी हम करा रहे हैं। ये देखो, हमारे प्लेयर और उस लड़के के प्लेयर लड़ रहे हैं। और ये देखो, हमारे प्लेयर तो जीत भी गए हैं। तो मोटे गेंडे जियान, अब समझ में आई, ये हमारे गुलाम नहीं है, बल्कि हमने इनकी लास्ट में फाइट करवानी है। अरे वालो बीता, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। और ये देखो, हमारे पास तो यहाँ कितने तरह के प्लेयर है। अरे ये देखो, हमारे पास तो यहाँ हल्क भी है। अरे वाह, ये हल्क तो बड़ा मस्त है। ये हल्क तो मैंने पहली बार देखा है। और हाँ दोस्तों, अगर तुमने भी ये हल्क पहली बार देखा है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे तो फाइट शुरू भी हो गई है। और वहाँ पे तीन प्लेयर है और हमारे पास भी तीन प्लेयर है। चलो अपने हिसाब से इस प्लेयर को रखते हैं। अरे जियान, मैं तो कहता हूँ कि हल्क की जगह तुम चले जाओ, तो देखना तुम्हारी कैसी हरी हरी चटनी बना देंगे लोग। पता भी नहीं चलेगा ये हल्क की चटनी है या मोटे गेंडे जियान की। और ये देखो, यहाँ तो फाइट शुरू भी हो गई है। और वाह, हमारे प्लेयर ने तो उनके पैर को एकदम धूल चटा दी। और ये देखो, हमारी गेम दोबारा स्टार्ट होगी। तो चलो इस टटल को ले लेते हैं, देखते हैं ये टटल क्या काम करता है। अरे ये क्या, ये तो हड्डियों का ढांचा है। चलो इसको भी उठा लेते हैं और देखते हैं ये हड्डियों का ढांचा क्या करता है। अरे इसमें तो कितने सारे सुपर हीरो हैं जो कि मैंने आज तक देखे नहीं थे। चलो एक और सुपर हड्डी उठा लेते हैं। अरे वाह, अरे ये क्या, ये तो गोल्ड कलर में बदल गया। मैंने तो पहली बार ही ऐसा गोल्डन हड्डी देखा है। अगर दोस्तों तुमने गोल्डन हड्डी पहले ऐसी देखी है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना। और ये देखो, हमने सारे के सारे अपने यहाँ पे फाइटर रख दिए हैं। और ये देखो, लड़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमारे प्लेयर तो जीत गए। अरे वाह, इस गोल्डन सुपर हड्डी ने तो बड़ा मस्त काम किया। अब तुम्हारी बारी खत्म। अगला सुपर हीरो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और देखना जियान के सुपर हीरो सबसे बेस्ट होंगे। तो चलो सबसे पहले ये सांड सा ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल मेरी तरह है, मोटा और शक्तिशाली। और इस लड़की को तो सब जानते ही हैं, तो इस लड़की का अगर नाम तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये देखो, ये तो बर्ड है। अरे ये सुपर हीरो तो मैंने पहली बार देखा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक स्टीव भी है हमारे पास। अरे वाह, हम यहाँ पे क्या माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ स्टीव भी है। और ये देखो, मेरे सारे के सारे प्लेयर यहाँ पे तैयार है। तो चलो दोस्तों, वेट किस बात का है, यहाँ पे इन सबकी फाइट कराते हैं और देखते हैं किसका प्लेयर जीतता है। और ये देखो, उस लड़के ने अपने तीनों के तीनों प्लेयर यहाँ पे खड़े कर दिए। और अब हमको आराम से यहाँ पे प्लेयर चुनने पड़ेंगे। हमारे पास तो कितने सारे प्लेयर है और पोजैंग के पास तो कितने कम प्लेयर थे। तो चलो हम यहाँ पे एक एक करके सारे प्लेयर चुन लेते हैं। अरे वाह जियान, तुमने तो सबसे बेस्ट प्लेयर चुने हैं। और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और ये लो, यहाँ तो फाइट शुरू होगी। अरे वाह जियान, तुम्हारे सारे के सारे प्लेयर जीत गए। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन जियान। अरे मोटे गेंडे जियान, तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो। तो चलो दोस्तों, मैं यहाँ पे रेस स्टार्ट करता हूँ। तो चलो दोस्तों, अरे यहाँ तो पोपी भी है। तो चलो दोस्तों, मैं तो इस पोपी को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। अरे वाह, सामने से तो ये काफी डेंजर लगता है, लेकिन देखो मेरे पीछे पीछे चल रहा है, ये मेरे को कुछ नहीं करेगा। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे तो टटल भी है। तो चलो इस टटल को चुन लेते हैं। मैंने सुना है टटल तो फाइट में काफी अच्छे होते हैं। और ये देखो, एक और पोपी आ गया है। अरे वाह दो दो। और ये देखो, ये दोनों तो गोल्ड में चेंज हो गए हैं, मतलब कि मेरे पास गोल्ड कलर का पॉपी है। और ये देखो, उसका फाइटर आ चुका है। अरे ये क्या, उसका तो एक ही इतना बड़ा है और मेरे पास तीन है, वो भी छोटे छोटे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। मैंने तो अपनी फिंगर क्रॉस कर ली है। और हाँ दोस्तों, अगर तुम भी चाहते हो कि मैं जीतूं, तो जल्दी से जल्दी मेरे लिए प्रेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो। अरे ये देखो, यहाँ तो फाइट शुरू हो गई है। अरे वाह, हमारे प्लेयर ने तो उस टेडी बेयर को मार गिराया, मतलब कि हम यहाँ जीत गए। और ये देखो गाइस, अगला रेस आ चुका है और यहाँ पे हमने पूपी सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि मुझको तो सिर्फ पूपी ही पसंद आते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर तुमको पूपी पसंद आता है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना। और ये देखो, यहाँ पे तो पूपी डायमंड कलर का हो गया है। वाह, ये
ये तो मैंने पहली बार ही देखा है डायमंड कलर का पूपी, और तुमने अगर ये पहले कभी देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये देखो हमने तो यहाँ दो तरह के पूपी कर लिए, और ये बिल्कुल डायमंड की तरह है। अरे वाह, ये तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, दो तरह के डायमंड वाले पूपी। वाह, मेरा तो बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है कि इनको लड़ाई में ना भेजूं इनको, बल्कि अपने पास रख लूं अपना दोस्त बनाकर। और ये देखो, चलो दोस्तों हम लड़ाई के लिए अपने यहाँ पे सारे के सारे कार्ड रख देते हैं, क्योंकि हम इन्हें पाल नहीं सकते, लेकिन हाँ इनसे लड़ाई करा के जीत सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना कि यहाँ पे अब कौन जीतने वाला है। और ये देखो यहाँ पे फाइट मैं जीत गया। अरे वाह, अपनी बकवास बंद करो बोचैंग, वरना मैं तुम्हें यहाँ मुर्गा बना दूंगा और तुमसे अंडे निकलवाऊंगा। और ये देखो मैं यहाँ पे वंडर वुमन को चुनूंगा, क्योंकि मैंने सुना है इसके पास काफी खतरनाक खतरनाक पावर है। और यहाँ पे चुनते हैं इस बर्ड को। ये देखो मेरे पास दो प्लेयर हो गए हैं, अभी हमारे पास काफी सारे प्लेयर होने वाले हैं। और ये देखो मेरा हमशक्ल मतलब कि हल्क मास्टर, तो चलो यहाँ पे एक टेडी बियर भी ले लेते हैं। अरे वाह, मेरे पास कितने खतरनाक खतरनाक प्लेयर है। और ये देखो मैंने दोबारा से एक और वंडर वुमन को ले लिया है। अरे वाह, गोल्ड कलर की वंडर वुमन। तो दोस्तों इस वंडर वुमन के लिए जल्दी से जल्दी कर दो। और ये देखो यहाँ तो कितना बड़ा राक्षस की तरह ये जोकर खड़ा है। कोई बात नहीं, हमारे पास भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। तो चलो दोस्तों अपने प्लेयरों को यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले हल्क, उसके बाद वंडर वुमन, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा बर्ड। और ये देखो बर्ड रखने के पास क्या बात है, हम यहाँ पे लड़ाई जीतते हैं कि हारते हैं देखते हैं। और ये देखो दोस्तों हम यहाँ पे लड़ाई जीत गए। तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया। अरे ये देखो दोस्तों हमारी अगली रेस स्टार्ट हो गई है। और हाँ, अगर तुम्हें जियान और सुनियो की बकवास ज्यादा पसंद नहीं आती तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में उनको बोल देना कि अगली बार ज्यादा बकवास ना करे। और ये देखो हमने सारे के सारे बेहतरीन प्लेयर एकदम उठा लिए जो कि नंबर वन है। ये देखो टेडी बियर हमने दो दो उठा लिए। और ये देखो ये तो गोल्ड कलर का टेडी बियर है। अरे वाह, और ये देखो जिसको हमने अभी अभी मारा था वो भी आ गया हमारे पास, भूतिया राक्षस। और ये लो हमारे पास तीन यहाँ पे हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं अगली बार यहाँ पे हमको किससे लड़ाई करनी है। अरे ये क्या, ये तो जोकर है। पर कोई बात नहीं, हमारे पास भी तीन प्लेयर हैं। तो चलो दोस्तों हम अपने तीन प्लेयर को यहाँ रख देते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्या होना है नोबिता, तुम्हारी कुटाई होगी और हम सब हंसेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा नोबिता तो है लल्लू। और ये देखो दोस्तों हमारे यहाँ पे लास्ट रेस आ चुके हैं। और ये देखो इसमें तो यहाँ पे जोकर भी खुल गया है। तो सबसे पहले तो मैं जोकर को सिलेक्ट करता हूँ। और ये देखो जोकर हमारे पीछे आ गया है। अरे वाह, दिखने में तो काफी खतरनाक लग रहा है। और चलो ये नवे वाला कैरेक्टर भी ले लेते हैं, सांड जैसा लग रहा है मेरे को तो बिल्कुल। इसे देख के जियान की याद आ गई। अरे हाँ जियान, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, अगर जियान जैसा सुपर हीरो होगा कोई मोटा गैंडा तो उस हीरो का नाम क्या होगा। और हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें पता है उस सुपर हीरो का क्या नाम हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये देखो हमारे यहाँ फाइट भी शुरू होने वाली है। तो चलो हम अपने यहाँ प्लेयर को अच्छे से रख देते हैं ताकि हम ये लास्ट फाइट जीत जाए। अगर हम लास्ट फाइट हार गए तो हमारी काफी बेइज्जती होगी, इसलिए हमको सोच समझ के करना पड़ेगा। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर जियान सुपर हीरो बन जाएगा तो सुपर हीरो का नाम होगा गेंडा जियान। और ये देखो हमारी यहाँ पे लास्ट फाइट होगी है और हम यहाँ जीत गए हैं। अरे वाह,